नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। राम मंदिर को लेकर के विवाद लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला है और फैसला जल्द आने की उम्मीद है। लेकिन इस बीच बीजेपी का कद्दावर नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए क्योंकि देश ऐसा चाहता है और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा भी है। हमारे दिल्ली संवाददाता के झा ने शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है, सुनिए आप। जैसा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 अक्टूबर से पहले फैसला आ जाना चाहिए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आए और देश की उम्मीद पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फैसला आएगा और जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनेगा। सर, बिहार में सीएम फेस पर घमासान मचा हुआ है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति छोड़ के केंद्र में राजनीति करना चाहिए, क्या आपको लगता है? तेजस्वी यादव को नहीं, नीतीश कुमार को जदयू में क्या करना चाहिए ये जदयू के लोग तय करते हैं, उसमें हमारे बीजेपी के नेताओं को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। मुझे, मैंने नहीं सुना कि कोई ऐसा कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय जब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है तो करेगी, अभी तो कोई चुनाव नहीं है। क्या लग रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में भी? अरे भाई, अभी तो झारखंड में मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, महाराष्ट्र में और हरियाणा में फिर से। अभी तो हम गठबंधन में हैं बिहार के अंदर, और गठबंधन में जब हम काम करते हैं तो गठबंधन धर्म को निभाते हैं। सर, तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पर बैठक कर रहे हैं आरजेडी में, करें वो करें बैठक, उसमें हम थोड़ी निमंत्रण। क्या लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं इस पर बिहार? अरे वो जो करना हो करें, वो तो अब एक्टिव हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपनी पार्टी की मीटिंग पूरी तरह करें वो। अल्पसंख्यकों की याद तो चुनाव के वक्त सबको आती है। तो सुन लिया आप, शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि देश चाहता है इसलिए हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो। और इसके साथ ही साथ जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह कौन बीजेपी का चेहरा जगह लेगा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का कौन नेता ऐसा है जो कह रहा है कि नीतीश कुमार के बजाय बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, मैंने तो सुना ही नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जदयू अपना फैसला खुद लेता है, बीजेपी अपना फैसला खुद लेती है, तो ये आगे की बात है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो जो तय करेगा वही होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे अहम बात इसमें थी कि क्या राम मंदिर को लेकर के शाहनवाज हुसैन का दिया गया ये जो बयान है वो कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करेगा। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर से आप अपडेट रह सकें, और बिहार में हर खबर से अपडेट रहने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं, पेज को विस्तार से पढ़ें। धन्यवाद।